हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसमें अभी हम जो राइटर कर रहे हैं वो है जॉन कीट्स। इससे पहले जो सिलेबस में मेंशन राइटर्स हैं उन सभी को मैं कवर अप करा चुकी हूँ। मतलब हम एक सीरीज में चल रहे हैं, जैसे इससे पहले के जो राइटर्स सिलेबस में हैं उन्हें मैंने कराया है, जैसे विलियम शेक्सपियर के वर्क्स थे उनको, उसके बाद में PB शैले और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर किसी ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर, इस सीरीज़ में आज ही हमारी 5th वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम। तो इजाबेला की जो स्टोरी है, मतलब जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम है इजाबेला, इसकी जो स्टोरी है वो इन्होंने कहाँ से ली है। ऑप्शंस आर बोकेशियो, ऑरलैंडो, फेरी क्वीन या फिर नन ऑफ दीज। तो बेसिकली अगर हम बात करें जॉन कीट्स की, तो ये क्या थे, ये ग्रीक माइथोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित थे। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। और ज़्यादातर अपनी पोएम्स की जो थीम है ना, इन्होंने वहीं से ली है, ग्रीक्स। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है बोकेशियो। तो बोकेशियो का जो वर्क है डेकामेरन, उसी से इजाबेला की जो स्टोरी है वो ली गई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड इज द अदर टाइटल ऑफ इजाबेला इज। इजाबेला का अदर टाइटल क्या है। ऑप्शंस आर द पोर्ट ऑफ बेसिल, द पोर्ट ऑफ लवर, द पोर्ट ऑफ मर्डर या फिर पोर्ट ऑफ बैली। सोचिए, आंसर कीजिए। और कौन से ईयर में आता है ये वर्क, ये आता है 1818 में, ये भी ध्यान रखना है। इसका अगर अनदर टाइटल पूछा जाता है इजाबेला का, तो वो क्या होगा। यस, द पोर्ट ऑफ बेसिल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द पोर्ट ऑफ बेसिल। कई बार क्या होता है कि इसे कन्फ्यूजन में हम ये सोच लेते हैं कि जो ग्रेशन अर्न के लिए ओड लिखा है ना उन्होंने, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, तो उसमें भी एक बेसिकली अर्न मतलब एक कलश के बारे में बात हुई है, तो वहाँ पे हम उसी पोर्ट इसे भी उससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, इजाबेला के लिए ये सब टाइटल है, ये ध्यान रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इज इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम्स। देखिए यहाँ पे एक पोएम, जॉन कीट्स की एक पोएम के का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बेसिकली, और हमें फाइंड आउट करना है कि वो पोएम कौन सी है। तो देखते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम्स। 4 वॉल्यूम्स में आई है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है, मतलब एपिक टाइप भी बोल सकते हो आप। इट डील्स विद द ग्रीक माइथोलॉजी ऑफ लव ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया फॉर अ ग्रीक यूथ। हु इज दिस यूथ एंड द नेम ऑफ दिस यूथ इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ द पोएम। ठीक है, इस यूथ का जो नाम है वही इस पोएम का टाइटल भी है। तो बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आर हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, ओड टू अ नाइटिंगेल या फिर एंडिमियन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है एंडिमियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एंडिमियन। और एंडिमियन ही उस यूथ का भी नाम है, मतलब जो कैरेक्टर है ना, मेन कैरेक्टर इस पोएट्री में, उसका नाम भी एंडिमियन ही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इज आई डिसलाइक मैनकाइंड इन जनरल एंड If there was a person born without the faculty of open, I am he. Option, who said? ये statement कौन कहता है? I dislike mankind in general and if there was a person born without the faculty of open, I am he. Options are Keats, Shelley, Milton या फिर Tennyson. Yes, what should be the right answer?
देखिए यहाँ पे आप गैस गेम खेल के भी आंसर कर सकते हो आसानी से, क्योंकि अभी हम एक पर्टिकुलर राइटर को लेके कर रहे हैं, लेकिन कोटेशंस ऐसी होती हैं जिनको हमें रटना ही पड़ता है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए आप इसे लिखकर नोट डाउन भी कर सकते हैं बेसिकली, और उसे लर्न कर सकते हैं। तो कोटेशन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहे हैं कीट्स, कीट्स के द्वारा ये कही गई लाइन है, आई डिसलाइक मैनकाइंड इन जनरल एंड इफ देयर वॉज अ पर्सन बोर्न विदाउट द फैकल्टी ऑफ ओपन आई एम ही। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इज, विच सोनेट इज द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट। तो कीट्स ने जितने भी सोनेट्स लिखे उनमें से सबसे लास्ट वन कौन सा था। ऑप्शंस आर हाइपीरियन, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, या फिर ओ टू अ नाइटिंगेल, या फिर ब्राइट स्टार। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? हाइपीरियन है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर है, या फिर ओ टू अ नाइटिंगेल है, या फिर ब्राइट स्टार। द लास्ट सोनेट बाय कीट्स। यस, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्राइट स्टार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ब्राइट स्टार। वैसे ये लीस्ट फेमस वर्क है, ये भी ध्यान रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ इज, विच ओड इज इनकम्प्लीट। तो जैसे कि आप जानती हो कीट्स को ओड्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है, अब इनमें से कौन सा ओड ऐसा है कीट्स का जो इनकम्प्लीट रहा। ऑप्शन है ओड ऑफ माया, हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, ओ टू अ नाइटिंगेल। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, सोचिए और आंसर कीजिए। ओ टू माया, हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, ओ टू अ नाइटिंगेल। यस, यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओ टू माया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द इनकम्प्लीट ओड बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट इज सेवंथ, वन ऑफ कीट्स फ्रेंड्स डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम आउट। तो कीट्स का एक ऐसा फ्रेंड था जो मतलब उनकी गोद में ही मर जाता है, उसका पता करना है कौन है, सेबरन है, शैली है, या फिर फैनी ब्राउनी है, या फिर नन ऑफ दीज। आई थिंक ये क्वेश्चन अपोजिट लिख गया है, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना चाहिए कि मतलब कीट्स को, कीट्स की जब मृत्यु होती है तो वो उनकी डेथ भी एक उनके ही फ्रेंड के, ये रोम चले जाते हैं बेसिकली कीट्स जो हैं, और रोम में जाके इनकी जब मृत्यु होती है तो ये अपने फ्रेंड के घर पे होते हैं, उस समय पर फ्रेंड के घर ही रह रहे होते हैं फ्रेंड के साथ में। वो एक पेंटर होता है जिसका नाम सेबरन है, ठीक है, और उसी की गोद में ये दम तोड़ते हैं कीट्स जो हैं। ठीक है, तो कीट्स की मृत्यु किसकी, किस कौन से फ्रेंड की गोद में होती है, एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेबरन। ठीक है, जब कीट्स की मृत्यु होती है तो सेबरन के पास होते हैं, सेबरन की गोद में ही कीट्स की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इज, विच पोएम वाज रिटन, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। कौन सी पोएम थी जो उनका जो भाई था कीट्स का, जॉन कीट्स का भाई था टॉम कीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच पोएम वाज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। उनके ब्रदर टॉम की मृत्यु के जस्ट बाद में कौन सी पोएम लिखी गई थी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शंस आर ओ टू अ नाइटिंगेल, हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, या फिर ओ टू इंडोलेंस। सोचिए, आंसर कीजिए।
What should be the right answer? Yes, इनमें से जो पोएम थी उसका नाम है ओ टू अ नाइट एंगल. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओ टू अ नाइट एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज कीट्स रोट अ बैलेट इन 1819. कीट्स ने 1819 में एक बैलेट लिखा टू कंक्योर लव एंड डेथ. इट वॉज एन एलेगोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज एगोनाइज्ड स्ट्रगल. फाइंड आउट द बैलेट, वो कौन सा बैलेट है. और बेसिकली अगर आप 1819 को ध्यान में रखें, जब भी आपके दिमाग में जॉन कीट्स आता है तो जॉन कीट्स के साथ में 1819 का ईयर आना ही चाहिए. इसे इनका बहुत ही मोस्ट वर्सटाइल ईयर कहा जा सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये ईयर ऐसा था 1819 जिसमें ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे कीट्स. ठीक है, तो 1819 में ये एक बैलेट लिखते हैं टू कंक्योर लव एंड डेथ. ठीक है, इट वॉज एन एलोगोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज एगोनाइज्ड स्ट्रगल. बताइए यहाँ पे किस बैलेट की बात हो रही है. ऑप्शन है ला बैलेट एम्सन्स मर्सी, हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, या फिर ओ टू अ नाइट एंगल. तो आप इसके जॉनर से भी समझ सकते हो, जैसे कि आप हाइपीरियन को देखो, हाइपीरियन इज नॉट अ बैलेट. ठीक है, ये तो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है. और ब्राइट स्टार, ओ टू अ नाइट एंगल, ब्राइट स्टार तो लास्ट सोनेट था, अभी देखा था हमने. ठीक है, और ओड टू अ नाइट एंगल को हम कह ही नहीं सकते और कुछ, क्योंकि ये क्या है, एक ओड है. ठीक, तो बाकी कौन सा ऑप्शन बचा. ऑप्शन नंबर ए, ला बैलेट एम्सन्स मर्सी, इट इज अ बैलेट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 इज स्टॉप एंड कंसिडर लाइफ इज बट डे, बट अ डे. यहाँ पे ए भी है जो हाइड हो गया है. ठीक है, ये कह रहे हैं स्टॉप एंड कंसिडर लाइफ इज बट अ डे, दिस लाइन अपीयर्स इन. ये लाइन कहाँ या कौन सी पोएम में देखने को मिलती है. ऑप्शंस आर स्लीप एंड पोएट्री. आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग एरर है. यस, स्लीप एंड पोएट्री, पी ओ ई टी आर बाय पोएट्री. ओके, हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, या फिर ओ टू अ नाइट एंगल. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, कौन सी पोएम से ये लाइन है. स्टॉप एंड कंसिडर लाइफ इज बट अ डे. सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर, स्लीप एंड पोएट्री, हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, ओ टू अ नाइट एंगल. ओके, देन राइट आंसर इज स्लीप एंड पोएट्री. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्लीप एंड पोएट्री. नेक्स्ट इज 11th, ओ पोएजी फॉर दी आई होल्ड माय पेन दैट एम नॉट येट अ ग्लोरियस डेनिजन ऑफ दाई वाइड हेवन. दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन्स किस पोएम से हैं. देखिए, पोएट्स का या पोएट्री का हमेशा सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही होता है कि जब भी हम पोएम्स की लाइंस को कंसीडर करें, क्योंकि इतना ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक राइटर की सारी पोएम्स की लाइन रट लें. ठीक है, कुछ फेमस फेमस होती हैं जिन्हें हमें याद कर लेना होता है बस. ठीक है, ओ पोएजी फॉर दी आई होल्ड माई पेन दैट आई एम नॉट येट अ ग्लोरियस डेनिजन ऑफ दाई वाइड हेवन. ऑप्शंस आर हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, ओ टू अ नाइट एंगल, या फिर स्लीप एंड पोएट्री. तो ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से हैं, ये कौन सी पोएम से हैं. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, ये लाइंस भी स्लीप एंड पोएट्री से ही ली गई हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 is Keats used the sonnet form which one. Keats ने ज़्यादातर कौन सी सोनेट फॉर्म का यूज़ किया है. ऑप्शंस आर इंग्लिश फॉर्म, शेक्सपीरियन फॉर्म, इटालियन फॉर्म, नन ऑफ दीज. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर.
जैसे आप देखते हो ना इटालियन फॉर्म को और क्या कह सकते हो, स्पेंसरिन स्टेंजा में भी ज़्यादातर इन्होंने लिखा है वैसे। लेकिन अगर हम सोनेट की बात करें तो सोनेट में इन्होंने शेक्सपीरियन सोनेट का इस्तेमाल ना करते हुए, मतलब शेक्सपीरियन सोनेट और पेट्राकन सोनेट में यही तो डिफरेंस था। पेट्राकन सोनेट में क्या था, ऑक्टेव अनसिस्टेड वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, होती 14 लाइन्स ही हैं लेकिन इसमें ऑक्टेव और सिस्टेट हो जाता है 8 लाइन और 6 लाइन। ऐसे ही अगर हम शेक्सपीरियन सोनेट की बात करें तो शेक्सपीरियन सोनेट में होता है 3 क्वार्टेट, ठीक है, एक सेकेंड, देर आर 3 क्वार्टेट प्लस 1 कपलेट, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट होता है। 3 क्वार्टेट यानी 1 क्वार्टेट इज इक्वल टू 4 लाइन्स, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 12 लाइंस प्लस 2 लाइंस इज इक्वल टू 14 लाइंस, ये भी 40 लाइंस का ही सोनेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कीट्स ने कौन सा यूज़ किया, इटालियन फॉर्म या फिर शेक्सपियरियन फॉर्म या फिर इंग्लिश फॉर्म। यस, यहाँ जो राइट आंसर है वो है इटालियन फॉर्म, ठीक, ऑप्शन नंबर, वेट अ मिनट, हम ज़्यादा ही पीछे चले गए। यस, इटालियन फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस 13। हाइपेरियन वॉज प्लान टू बी अ ब्लैंक वर्स एपिक इन 10 बुक्स, ओनली 2 बुक एंड पार्ट ऑफ द थर्ड वर कंप्लीटेड, येट इट रिमेन्ड कीट्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई अ बुक ऑफ मिल्टन, विच बुक इज दिस। तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। बेसिकली अगर हम बात करें हाइपेरियन की, हाइपेरियन क्या, जैसे हमने शुरू में देखा एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम, हम इसे एपिक की फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। साथ ही इसमें जो कीट्स ने प्लानिंग की थी वो ये प्लानिंग की थी कि हाइपेरियन को ये बहुत ही बड़े लेवल पे ले जाना चाहते थे, ब्लैंक वर्स में लिख रहे थे, ब्लैंक वर्स एपिक, और चाहते थे कि 10 बुक्स में लिखें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ओनली 2 बुक्स एंड पार्ट ऑफ थर्ड, केवल 2 बुक्स कंप्लीट होती हैं और तीसरी बुक के कुछ पार्ट्स लिखे जाते हैं। येट इट रिमेन कीट्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, लेकिन फिर भी इसे क्या कहा गया, कीट्स की एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाइपेरियन को कीट्स ने किससे इंस्पायर्ड होके ये प्लानिंग की थी बेसिकली, तो मिल्टन से इंस्पायर्ड होके की थी। मिल्टन की कौन सी बुक से इंस्पायर्ड हुए थे, ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगोनिस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 14 इज होम डज कीट्स एडवाइज टू लोड एवरी रिफ्ट विद ओर। कीट्स ने किसको एडवाइज किया है टू लोड एवरी रिफ्ट विद ओर। ऑप्शंस आर शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन। सोचिए आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीबी शैली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक अ लवर हु सेड, ये स्टेटमेंट कौन कहता है, आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक अ लवर। ऑप्शंस आर कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन। यस, जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन स्कार्सली पजेस व्हाट आई बट डिमली परसीव एंड येट आई थिंक आई परसीव इट। दिस स्टेटमेंट ऑफ कीट्स शोज हिज मेंटल स्टेट। इन दिस मेंटल स्टेट ही रोट, इस मेंटल स्टेट में उन्होंने कौन सा वर्ग लिखा था, एंडिमियन, लामिया, हाइपेरियन, ब्राइट स्टार। जैसे कि आप स्टेटमेंट देख रहे हो, आई कैन स्कार्सली पजेस व्हाट आई बट डिमली परसीव एंड येट आई थिंक आई परसीव इट।
यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एंडीमियन, ठीक है, एंडीमियन को लिखा था इस सिचुएशन में इन्होंने। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस, ही हैज नो आइडेंटिटी, ही इज कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग फॉर सम अदर बॉडी, हु सेड। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, इनको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट भी है। इन्होंने पोएट के विषय में ये स्टेटमेंट दी है, कह रहे हैं अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस, ही हैज नो आइडेंटिटी, ही इज कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी। कहने वाले कौन है? कीट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इज कीट्स पोएट्री was not imitated in deed of Shakespeare's but Shakespeareans, whose comment is this? तो कीट्स के विषय में ये कमेंट किसने किया है? कहते हैं कि कीट्स पोएट्री was not imitated in deed of Shakespeare's but Shakespeareans। ऑप्शन आर शैली, कॉम्प्टन रिकेट, हडसन या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, आंसर कीजिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, ये स्टेटमेंट कही है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज शैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम, तो ये एक पूरी स्टेटमेंट है कि शैली को कहा जाता है शैली ने ट्रैवल किया फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स, कीट्स ने क्या ट्रैवल किया? फ्रॉम अर्थ टू हेवन, अर्थ टू हेल, अर्थ टू स्टार्स या फिर हेल टू अर्थ, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? शैली ट्रैवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम, यस, अर्थ टू हेवन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अर्थ टू हेवन। नेक्स्ट इज आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ, हु सेड। देखिए हमेशा लाइफ टाइम इन्हें इसी चीज़ का हो रहा दुख रहा कि ये मानते थे कि इन्होंने, हालांकि बहुत अच्छे पोएट थे, इन्होंने बहुत अच्छी पोएट्री की, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं ये समझते थे, जैसे क्वार्टरली रिव्यू जो मैगजीन थी उसमें इन्हें क्रिटिसिज्म मिला एंडीमियन को लेकर बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये समझते थे कि ये वो उस लेवल की फेम नहीं अपनी लाइफ में अचीव कर पाए, इसलिए ये इनकी स्टेटमेंट है आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ, इट इज सेड बाय जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 21 हिज हार्ट was not broken but it was starved, this is said about, ये किसके विषय में कहा गया है? यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि किसने कहा है, ध्यान से पढ़ना है किसके विषय में कहा जा रहा है। His heart was not broken but it was starved, options are Shelley, Byron, Keats, Wordsworth। तो अवश्य बात है किसके लिए कहा गया है? John Keats के लिए, option number C is the right answer। नेक्स्ट इज वन ऑफ द वर्क्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली, फाइंड इट आउट। तो कीट्स का एक ऐसा वर्क है जो बर्टन का एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली, इस पर बेस्ड है, बेसिकली इन्होंने जो उस वर्क की थीम ली है वो इसी से ली है। अब वो कौन सा वर्क है? ऑप्शन है हाइपीरियन, ओड टू इंडोलेंस, लामिया या फिर ओड टू साइकी, सोचिए आंसर कीजिए। बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली पर कौन सा वर्क बेस्ड है कीट्स का? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है लामिया, ठीक है, कीट्स का ये जो पोएम है लामिया ये बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली पर बेस्ड है। नेक्स्ट इज 23rd लोरेंजो इज, सबसे पहली बात आपको ये बताना है कि लोरेंजो नाम का जो कैरेक्टर है वो किस पोएम में है,
और ये कौन होता है उसमें? इजाबेलाज लवर, इजाबेलाज ब्रदर, इजाबेलाज अंकल या फिर इजाबेलाज फादर? तो जैसा कि आपको पता है कि पोएम का नाम ही इजाबेला है, तो उससे आप आंसर उस वर्क कर पता तो इजीली कर ही लिया आपने कि लोरेंजो किस वर्क का कैरेक्टर है, तो इजाबेला पोएम का। अब बताना है कि इजाबेला का से इसका रिलेशन क्या होता है। यस, ही वॉज द इजाबेलाज लवर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 24th, फॉर एवर विल्ट दाउ लव शी बी फेयर दिस अपीयर्स इन। ये जो लाइन है वो हमें कौन से वर्क में देखने को मिलती है कीट्स के? फॉर एवर विल्ट दाउ लव शी बी फेयर। ऑप्शन आर ओड ऑन अग्रेशन, ओड टू इंडोलेंस, ओड टू अ नाइटिंगेल या फिर ओड टू साइकी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, सोचिए आंसर कीजिए। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 25th, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स दिस इज फाउंड इन वन ऑफ। ये जो स्टेटमेंट है ये किसी एक के राइटर के लेटर में मिलती है हमें। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। ऑप्शन आर कीट्स लेटर, शैलीज लेटर, बायरन्स लेटर, वर्ड्सवर्थ लेटर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इजीएस्ट वन कीट्स लेटर। कीट्स के लेटर में लिखी गई ये लाइन, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। नेक्स्ट इज 26th, कीट्स वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, हु सेड? ये स्टेटमेंट किसने कही है? कीट्स वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। ऑप्शन आर शैली, कीट्स, तो कीट्स तो खुद के बारे में तो कहेंगे नहीं इसलिए इसे कट कर सकते हो, बायरन या फिर वर्ड्सवर्थ। कीट्स के विषय में किसने कहा है ये? यस, सोचिए आंसर कीजिए। इट इज सेड बाय पीबी शैली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now moving to the next question. 27 is the imagination may be likened, यहाँ पे D है, ठीक है, to Adam's dream. He awoke and found it true. यहाँ पे space है, ठीक है, found it true. Who said? ये कौन कहता है? The imagination may be likened to Adam's dream. He awoke and found it true. Options are Lamb, शैली, कीट्स या बायरन। सोचिए आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इट इज सेड बाय कीट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज The theme of Hyperion is the overthrow of the Titans by the young sun god. कौन से गॉड की बात हो रही है यहाँ पे? ऑप्शन है अपोलो, लामिया, जुपिटर, मिया। Hyperion की जो थीम है is the overthrow of the Titans by the young sun god. अपोलो, लामिया, जुपिटर, मिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, अपोलो, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यंग सन गॉड इज अपोलो। नेक्स्ट 29, कीट्स नेवर अप्रूव्ड सैलीज, कीट्स ने कभी भी अप्रूव नहीं किया सैली का क्या? रिवॉल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड, लव पॉइंट या फिर विजन ऑफ लव एंड गॉड। कौन सी चीज़ ऐसी थी शैली की जो कीट्स ने कभी अप्रूव नहीं की या उस चीज़ के खिलाफ रहे कीट्स?
सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहां जो राइट आंसर है वो है रिवॉल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, और आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, शैली सेंट एन इनविटेशन टू कीट्स टू कम टू पीसा इन ऑर्डर टू लिव विद हिम, व्हाट डिड कीट्स डू? फिर कीट्स ने क्या किया था? शैली इनवाइट करते हैं इन्हें पीसा में रहने के लिए अपने साथ में, लेकिन कीट्स ने क्या जवाब दिया था उस चीज़ का? ऑप्शन है डिक्लाइन द ऑफर, एक्सेप्टेड द ऑफर, डिड नॉट रिप्लाई, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है डिक्लाइन द ऑफर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इनकार कर दिया था इन्होंने। ओके ओके, देन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? और जुड़े रहिए इसी तरीके से चैनल के साथ। हम एक पर्टिकुलर सीरीज़ में अभी हम MCQs कर ही रहे हैं, ठीक है? आगे अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।